चंपावत के कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ जनों और देवतुल्य जनता से संवाद किया है। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षक भवन के प्रथम तल पर सभागार और नव निर्मित कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आए स्थानीय लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी है और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। जिला चिकित्सालय चंपावत में सिटी स्कैन मशीन का भी शुभारंभ किया गया है और चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक कर संवाद भी किया गया है। इस दौरान क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों और संगठनात्मक विषयों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनता की सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है एवं इसके निर्वहन हेतु हमारी सरकार सरलीकरण और समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार के साथ सहभोज सदैव ही विशेष क्षण होता है। आज मैं सीमांत क्षेत्र चंपावत के पूरे जनपद के लोगों के साथ मिलूंगा, वहाँ अधिकारियों से भी वार्ता करूंगा और जो वहाँ विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो अन्य जरूरतें हैं, सीमांत क्षेत्र है उन सभी पर, और जो बरसात के बाद काफ़ी सारी जगह पर टूट फूट हो गई है, नेशनल हाईवे जो पिथौरागढ़ और टनकपुर का है उस पर कनेक्टिविटी की भी कुछ समस्या है, साथ में बार बार भूस्खलन होता है, उन संबंध में भी चर्चा होनी है और आगे का जो रोड मैप है और जो कनेक्टिविटी है उस रोड पर काफ़ी कम है, उसके लिए मैंने पहले भी वहाँ जो हमारे जिलाधिकारी उनको कहा है उसको फिर से नए सिरे से देखेंगे। और वाइब्रेंट विलेज जो कि नेपाल सीमा से लगे हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा होगी, और साथ में कल 1 सितंबर 1994 गोलीकांड की बरसी है खटीमा में, तो उस बरसी के कार्यक्रम में मैं प्रतिभाग करूंगा और जो हमारे शहीद हैं, बलिदानी हैं, उन सभी को श्रद्धासुमन अर्पित करूंगा और साथ में जो आंदोलनकारी परिवार हैं आंदोलन